Why are you laughing? He just said that if you land on this one. Okay, it's a Quran class time. Bilkul exact 8:30 hone wale hain. Guys, we're done. Chudu. Hi. Mama aa gayi hai. Subel, aajo Janu. Subel. Janu, कहाँ बच चुकी? उदास है मेरा बेबी कल मामा ले जाए थी. So sorry, आजा. Snowbell को आपने कल कम देखा था और आज Snowbell कल मामा को Snowbell ने कम देखा था. आज Snowbell थोड़ी सी नाराज हुई भी है. चुप चुप है. मामा कल घर लेट आई है. स्नोई परेशान हो जाती है जब मामा लेट आती है. फिर बात करना बंद कर देती है. फिर आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू हो जाती है. उदास है मेरा मुन्ना. अच्छा, सो मुझे ये दिखाना था आप लोगों को. आजकल बड़ा ये इन हुआ हुआ है आइस फेशियल टाइप का, कि बहुत सारी बर्फ पानी में हो और आप इसमें अपना फेस डिप करें फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल. मैं तो आई थिंक 20 सेकेंड्स के लिए कर पाऊंगी. इससे जो है वो फेस पे इन्फ्लेमेशन कम होती है. सो आई एम गोइंग टू ट्राई दिस मेथड एंड शो यू ऑल्सो. couldn't even do it for 10 seconds guys. Oh, okay, again. मैं ऐसे कर रही हूँ. I don't know इसे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं. But this is what I did. Bye Snowbell. Snowbell. Bye bye. बहुत नाराज है भाई. बहुत नाराज है ये लड़की आज. Hello, hello, assalamu alaikum and welcome to another vlog. और मैं इस तरह से आपको वेलकम करना चाहती हूँ कि धूप मेरे ऊपर आए ताकि मैं आपको सही से दिखाई दूँ. Chaotic day started for me. इससे पहले कि मैं आपको उसके बारे में बताऊँ, if you have not yet subscribed to my channel, please subscribe, like, share, comments में बताइएगा क्या देखना चाहते हैं, except me showing you वसीम बदामी एंड इकरारुल हसन. दे आर रियली बिजी गाइज. हम नहीं ब्रेक में कुछ कर सकते हैं. दे आर ऑलवेज प्रेपिंग फॉर द नेक्स्ट सेक्शन. ओके, सेगमेंट. ओके, सो प्लीज, मतलब डन एंड डस्टेड. अब और मैं नहीं दिखा सकती हूँ आप लोग को. रीजन बताती हूँ, मतलब मुझे समझ नहीं आता कि रीजन आपको कैसे समझ नहीं आती. आई अप्रिशिएट योर प्यार एंड एवरीबडी अप्रिशिएट्स योर प्यार, मगर जो चीज़ मुमकिन नहीं है वो मैं कैसे करूँगा. अच्छा, एनीवे, मेरा दिन ऐसे स्टार्ट हुआ भाई कि माय मॉम वाज अपसेट. शी कॉल्ड मी, देन आई वाज डाउन. आई वाज ऑलरेडी डाउन. आई डोंट नो व्हाई. माय कैट इज नॉट फीलिंग वेल. Snowbell बहुत मुझसे नाराज है क्योंकि कल मैं घर लेट आई थी. तो जानवरों को ना एक सेंस ऑफ टाइम होती है कि अच्छा, इतने बजे इंसान जाता है और इतने बजे वापस आ जाता है. तो जब वो उतने बजे वापस ना आए तो वो बहुत एंग्शियस हो जाते हैं, और अगर वो सेंसिटिव वाले हो तो बहुत एंग्शियस हो जाते हैं. तो ये बहुत घबरा जाती है जब किसी के आने का टाइम हो जाए वो ना आए ना. जैसे आबिद को भी मैं देखती हूँ, अगर वो लेट हो और मैं घर पर हूँ तो Snowbell बार बार दरवाजा देखे कहती है मैं हूँ क्यों आया नहीं अभी तक, लाइक ऑल गुड. सो वो बहुत परेशान हो जाती है. वो उसकी भी तबीयत सही नहीं है, लाइक इमोशनल तबीयत उसकी सही नहीं है. देन माय फादर इन लॉ इज़ नॉट फीलिंग वेल. उनका थोड़ा सा कुछ सबक का इशू था. सो आज हमने बाहर जाना था अफ्तार पे, वो हमने कैंसिल किया. एंड आई वाज थिंकिंग कि चलो आई मेक हिम सम खिचड़ी एंड सम चिकन का सालन, लाइक काली मिर्च वाला सालन एक होता है, बहुत मज़े का होता है. इट्स वेरी गुड फॉर स्टमक ऑल्सो. सो आई थिंक मैं आज के ब्लॉग में ज़्यादा वो आपसे रेसिपी शेयर करी होंगी. जब घर वापस आऊँगी तो आई बी मेकिंग दैट. एंड अबाउट द ट्रांसमिशन, सो वी अगेन हैव अ फूड पैंडा शेफ. एंड आई नो आप लोग कितने प्यार से मुझे बोलते हैं कि नहीं, चार लोग ही नहीं होने चाहिए, तीन लोग होने चाहिए. आई अंडरस्टैंड, बट इट्स ब्रांडिंग, सो जरूरी होता है. सो उस वजह से मैं अपनी रेसिपी अगेन, मुझे बड़ी एक वो है कि मैं रेसिपी अपनी टाइम पे खत्म कर लूँ ताकि मैं उनको भी उनके हिस्से का बोलने दूँ और काम करने दूँ. सो आज मैं बना रही हूँ चिकन पार्मा, विच इज एन ऑस्ट्रेलियन डिश. पार्मेगियाना इज द फुल नेम ऑफ इट. एंड आई When I had it in Australia, I loved it. ये चिकन से भी बनती है और ये बैंगन से भी बनती है. तो मैं चिकन से बनाऊंगी बिकॉज काफी मैंने बैंगन बैंगन किया था. तो ऐसा ना हो मैं बैंगन
लेडी मशहूर हो जाऊँ. सो मैं चिकन से बनाऊंगी इसको. एंड इसमें क्या होता है कि इसमें एक मैरिनारा सॉस होती है टमाटर की, चिकन की ब्रेड क्रम्स में फ्राइड पीसेस होती हैं, फिर रेड सॉस होती है, फिर उसके ऊपर मोज़रेला चीज़ होती है. तो मोज़रेला चीज़ की बजाय मैं एक आपको वाइट सॉस बनानी सिखाऊंगी जिसके अंदर मैं मोज़रेला चीज़ ऐड करूंगी, क्योंकि अगर आप मोज़रेला चीज़ ऐड करते हैं देन यू हैव टू बेक दिस रेसिपी एंड आई डोंट वॉन्ट टू गिव एनी रेसिपी जो बेकिंग वाली हो, बिकॉज यार गैस कहाँ आती है किसी के घर में ना. मतलब मैं टीवी पे इतना नहीं बोलती, ये रोने गाने नहीं करती, मगर आई अंडरस्टैंड पूरे कराची का सेम हाल है, हमारा भी सेम हाल है. कोई रमज़ान में आ जाती है, कोई 3 बजे आती है दोपहर में, सहरी के टाइम आती है, अफ्तार के टाइम आती है, दैट्स इट. और वो भी इतना बदनाम है अब ये गैस वाले कि क्या पता ना आए किसी दिन, तो कुछ पता नहीं होता. इसलिए अवन शवन वाली रेसिपीज मैं नहीं देती. एंड ऑल्सो नॉट एवरीबडी हैज एन अवन इन देयर होम्स, राइट. गर्मी इतनी है, अवन आप ऑन करिए पूरा घर अवन हो जाएगा. सो दैट्स वाई ऑल्सो. सो आई एम बेसिकली टर्निंग दिस अवन वाली रेसिपी इन टू अ नॉन अवन वाली रेसिपी फॉर यू गाइज. आई हैव जस्ट लाइक क्रिएटेड इट. सो या दैट्स इट. आई एम going to air by see you in a bit. आज मैं आप लोगों को एक रिएक्शन दिखाना चाहती हूँ. मुना आपा तो मेकअप करेंगी एज यूजुअल, मगर हम साथ में पोनी बनाएंगे. जहाजेब तो सांस आ गया होगा फिर जहाजेब को ना लड़ाई करके. मेकअप हो चुका है, लाइट लाइट सिंपल सिंपल, बिकॉज आज ड्रेस बहुत चमकी चमकू सा चमकर सन है, बहुत चमक है. और ये एक्चुअली उनके मैनिकन पे लगा हुआ था फॉर ईद, तो मैं सोच रही थी कि मैं पहले पहन लूँ इफ समबडी वांट्स टू चेक इट आउट फॉर ईद. सो यहाँ पे काम हुआ हुआ है, इट्स अ लॉन्ग फ्रॉक काइंड ऑफ अ सिचुएशन. इसके साथ बिल्कुल टाइट स्लीक पोनी बनाएंगी मुनापा, और हम एक इयर रिंग्स बनी है. पोनी हमारी बन चुकी है स्लीक, और मैं आपको एक स्टिक दिखाती हूँ. दिस इज़ द स्टिक आई सॉ वलिया की इंस्टाग्राम स्टोरी पे. जैसे वलिया अपने बंस और पोनीज बनाती है ना, IGI की है बेड हेड. ये मैंने ली थी इस्लामाबाद में शम्स से, लेकिन आई थिंक कराची में आपको स्प्रिंग से मिल जाएगी, और आगा तो खैर अब कराची में होता ही नहीं, वरना आगा से भी मिल जाती. एंड यूजुअली ये जो स्टाइल होता है वही होता है कि बिल्कुल बीच की मांग बिल्कुल शार्प करके आप पीछे करते हैं. ऐसे भी कर सकते हैं ऑफकोर्स, बट वो भी एक स्टाइल होता है जो कि हम दोबारा भी करेंगे किसी दिन. बिल्कुल स्लीक सा जो है वो पोनी बन गई है, बिकॉज ड्रेस काफ़ी भारी है. बस इस पर दुपट्टा आएगा. एंड आई बी मेकिंग चिकन पारमा, और जो हमारी गेस्ट शेफ हैं वो बनाएंगी अल्फ्रेडो पास्ता. अभी हम निकल रहे थे, हारून भाई ने बोला मोबाइल, मैंने कहा हाँ मोबाइल उसी बैग में, कहते हैं ओके. फिर हम निकल पड़े, पीछे से मुनाफा कहती मोबाइल तो ले लें. आज थोड़ा थोड़ा सा हैपहैज़र्ड दिन है आज, बहुत जो है ना वो एवरीथिंग इज़ लाइक ऑल ओवर द प्लेस. बढ़िया, अब मैं थोड़ा सा ब्रीथ करूँगी, बिकॉज मैं 3 दिन से इतना सोशलाइज कर रही हूँ कि अब मैं चाहती हूँ बस बस अब मैं हूँ और कोई एक डार्क जगह हो और मैं कुछ चुप करके बैठूँ 2 घंटे के लिए. That is going to happen today. और आज मुझे बहुत सारे काम करने हैं. By the way, खिचड़ी बनानी है और चिकन करी बनानी है, पर उससे पहले भी बहुत काम करने हैं, कपड़े धोने हैं, पता नहीं क्या काम है. आज बहुत लंबा दिन है. Let's see how I end up doing those things. Okay. घर में पहुंच चुकी हूँ, अभी ऑलमोस्ट 4 बज रहे हैं, और अब मैं सैलड बनाऊंगी, चिकन का सालन बनाऊंगी अपने फादर इन लॉ के लिए, और मैं बनाऊंगी खिचड़ी. एंड देन अराउंड 6 PM वील बी लीविंग फॉर आर इन लॉज, और उसके बाद हमें 9 बजे सिन क्लब पे हम इनवाइटेड हैं किसी की बर्थडे के लिए, और वहाँ पे अगर मैं चली गई इसका मतलब है कि मैं रात में 12 बजे से पहले घर नहीं आने वाली. और रमज़ान में मुझे समझ नहीं आता कि लोग जब लाइक रमज़ान में मुझे 9 बजे कहीं जाना, इसलिए समझ नहीं आता उस वक्त तक बिल्कुल जो है ना वो हालत पैक हो चुकी होती है. सो आई आस्क माई हस्बैंड इफ़ आई कैन टेक एन ऑफ फ्रॉम देयर, बिकॉज रमज़ान में मैं बहुत क्रेजी चल रही होती हूँ लाइक स्केड्यूल वाइज. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, आई टेल यू गाइस. एक्सरसाइज
सबसे पहले मैं अब्बा के लिए चिकन का सालन पकने के लिए रखती हूँ, काली मिर्चों वाला। सो उसमें ये चिकन गई है और पानी गया है, पीने वाला पानी एक अदर, छोटा सा छोटा छोटा कटा हुआ प्याज गया है हाफ टी स्पून के बराबर, ये हो गया। काली मिर्च इसमें साबुत मैं शामिल करूँगी, 5 से 6 पीसेस, 2 तेज़पात के पीस, ये थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट बस। इसको मैं अच्छा सा मिक्स करूँगी और ये हल्की आंच पे पकता रहेगा जब तक चिकन अच्छी सी जो है वो गल नहीं जाती। थोड़ा सा पानी और डालेंगे, ये 40 मिनट तक चिकन पकती रहेगी। ये जो खिचड़ी है ये भी मैंने ऐड कर दी है, पकने रख दी है। ये चावल हैं और मसूर की दाल है और हल्का सा मैंने नमक ऐड किया, ये सब बॉईल हो जाएगा। उसके बाद ये ऐसा पकेगा कि ये रस में सांसा भी होगा, लेकिन साबुत साबुत भी होगा, लेकिन बहुत मुलायम वाला साबुत होगा। खिचड़ी पक जाएगी, उसके बाद मैं जो उसमें फगाड़ लगाऊंगी वो प्याज का होगा, जीरे का होगा, हल्का सा उसमें तेल होगा, हल्का सा लहसुन मैं उसमें ऐड करती हूँ, दैट्स इट, वो आपकी खिचड़ी तैयार हो जाएगी। बन चुका है चिकन का सालन। इसमें हमने क्या किया कि चिकन को ना 30 मिनट्स के लिए पका लिया, उसके बाद इस शोरबे में से मैंने तेज़पात निकाल दिया था, काली मिर्चें निकाल दी थी और एक दो रहने दी थी, बाकी निकाल दी थी, और मैंने इसमें से बड़ी इलायची निकाल दी थी और इसको हमने ब्लेंडर में चला लिया ताकि प्याज बिल्कुल अच्छी तरह से घुल जाएँ। और उसके बाद मैंने इसको थोड़ा सा गर्म किया, बिल्कुल पतला शोरबा रखा है, आखिर में इसमें हरा धनिया डलेगा, ये इतने मज़े का बनता है फॉर अ मरीज के बस। और मैंने इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर भी ऐड किया। ये साथ में हमने खिचड़ी बनाई है मज़ेदार सी, सिर्फ इसमें सॉल्ट किया है, हल्की सी मैंने चिकन यखनी इसमें ऐड की थी, आखिर में इसमें हमने बगाड़ लगाया जीरे का और प्याज का। ये बस अब चले जाएंगे दोनों बॉक्सेस में और हम लोग लेके जाएंगे। माहौल बड़े मज़े का हुआ हुआ है, मौसम बड़ा ज़बरदस्त हुआ हुआ है, थोड़ी देर में हम निकलेंगे। आ चुके हैं हम बाबा के घर, पकौड़े फ्राई कर रहे हैं और ये शाशलिक है और हम डोसा लाए हैं, ये शरबत है और हम चिकन का सालन और खिचड़ी लाए हैं, ये हो रहा है।